हे हेलो एवरीबॉडी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं अबाउट न्यूज इंपैक्ट। न्यूज इंपैक्ट का फायदा उठा के आप कैसे ट्रेडिंग ले सकते हो। जी हां, ये एक नया पॉइंट है जो आज की इस वीडियो में इंक्लूड होगा। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा न्यूज आप कैसे चेक कर सकते हो, इकोनॉमिकल कैलेंडर आप कैसे चेक कर सकते हो, और सही से कौन सी न्यूज ज्यादा अफेक्ट करेगी आपकी करेंसी ट्रेडिंग को या कम्युनिटी ट्रेडिंग को, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरी एक वीडियो के अंदर। ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन होगी बेसिक से लेकर एडवांस तक न्यूज इंपैक्ट के ऊपर। दूसरी चीज, मैं लाइव ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं जहां पे हम ट्रेड लेंगे लाइव अकाउंट से। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉलिंजर बैन प्लस आरएसआई की डेडली कॉम्बिनेशन जो न्यूज इंपैक्ट के अगेंस्ट काम करती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना यार आप लोगों ने, मतलब जो न्यूज इंपैक्ट आप अभी देख पा रहे हो ना, इसके अगेंस्ट हम ट्रेड लेंगे। यानी न्यूज आएगी ना, तब हम उस न्यूज पे ट्रेड लेंगे। यार आप लोगों को पता होगा, काफी बार मैंने आपको कहा है जब मार्केट में न्यूज इंपैक्ट होती है तब आप ट्रेड मत लो, लेकिन भाई स्ट्रेटजी आ चुकी है, बॉलिंजर बैन प्लस आरएसआई टेस्टेड स्ट्रेटजी है और काफी अच्छी वर्क कर रही है न्यूज इंपैक्ट के साथ। तो चलिए गाइस, बिना टाइम करिए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता देता हूं गाइस, अगर फर्स्ट टाइम हो ना चैनल पे, समझ नहीं आ रहा भाई किससे रिगार्डिंग बात चल रही है, तो बता देता हूं यार, अगर बाइनरी एंड फॉरेक्स मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो चैनल आपको यही मिलेगा। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ नहीं हुए हो तो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको सिर्फ टेलीग्राम पे ही मिलते हैं। लाइक करो वीडियो को, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना, और चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूज आप चेक कैसे करेंगे। न्यूज चेक करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है investing.com, जैसे कि आप ऊपर चेक कर पा रहे हैं investing.com। जैसे ही आप सर्च करोगे यहां पे आपको लॉगिन का और साइनअप का एक ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक चीज जो वेबसाइट का ड्रॉबैक है वो ये कि यहां पे बहुत सारे एड्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं यार, अगर फ्री की वेबसाइट है तो आपको एड्स देखने को मिले तो कोई बात नहीं। देखो यहां पे आपको एक सेक्शन मिलेगा इकोनॉमिकल कैलेंडर का, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे और आपके सामने ये एक सेक्शन खुल के आएगा। देखिए अब हमें पता लग गया कि न्यूज कैसे हम चेक कर सकते हैं, मतलब investing.com से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अब हमें देखना है कि कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सी न्यूज का मेजर इफेक्ट पड़ने वाला है हमारी ट्रेडिंग के ऊपर। देखिए जब भी आपको कोई ऐसी ट्रेडिंग, जब भी आपको कोई न्यूज मिलती है जहां पे कोई ऑक्शन की बात होती है, देखिए जहां पे ये 5 बजे एक यूरो की न्यूज है वो रिलीज हुई थी यूरो की करेंसी पे, जहां पे यहां पे देखिए ऑक्शन की जिक्र किया हुआ है। देखो बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि देखो ये जो टर्म्स आप देख रहे हो ना, इन टर्म्स को आपको मैं समझाने लग गया ना तो भाई सब कुछ सर के ऊपर से जाने वाला है। हाँ बहुत सारे लोगों के जिनको अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन बाकी सारे लोगों के सर के ऊपर से जाएगा, इसलिए आसान भाषा में समझाऊंगा, इसलिए चैनल जाना जाता है, इसलिए मैं जाना जाता हूं। तो यहां पे ऑक्शन जैसे आपको मिलता है आपको क्या करना है, उसके आगे जो टाइमिंग दी हुई है यानी 5 बजे, ठीक है 5 बजे आपको यूरो पे ट्रेड नहीं लेना है किसी भी पेयर के साथ, और कितनी देर तक नहीं लेना है, 5 बजे से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद, ठीक है इस पर्टिकुलर करेंसी पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। बाकी सारी एक नॉर्मल जो है न्यूज़ आती रहती है, उसका कोई फायदा नहीं होता, कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालती है वो, लेकिन अगर कभी आती है कोई मीटिंग, ग्लोबल मीटिंग या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज होता है, बहुत बड़ी चीज़ें, तो वहाँ पे आपको जो है ट्रेड लेने से थोड़ा बचना है। लेकिन इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें हैं अपोजिट, यहाँ पे हम इस न्यूज़ का फायदा उठा के ही ट्रेड लेने वाले हैं। तो अभी टाइम देखते हैं क्या हो गया। तो भाई टाइम हो गया 6:08, और मैंने ये जो वीडियो है इसको बनाने का मेरा एक पर्पस था। यहाँ पे देखेंगे 6 बजे GBP पे एक न्यूज़ रिलीज हुई है जो कि काफ़ी मेजर इंपैक्ट डालने वाली है इंडस्ट्रीज पे। तो यहाँ पे देखेंगे CBI इंडस्ट्रियल ट्रेड्स ऑर्डर का एक न्यूज़ है वो रिलीज हुआ है, और मार्केट पे काफ़ी अच्छा इंपैक्ट ये डालने वाला है, और वॉलिटिलिटी जो है वो काफ़ी चेंज होने वाली है GBP के ऊपर। तो 6 बजे ये न्यूज रिलीज हुई है, और अभी टाइम हमारा हुआ है 6:08, इसी के ऊपर आज हम लेने वाले हैं ट्रेड। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे ऑलिम ट्रेड के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं लॉगिन हूं लाइव अकाउंट के साथ। तो यहां पे GBP के किसी भी एक करेंसी पेयर पे हम आज लेंगे ट्रेड, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। लेकिन यार इससे पहले एक बात बताता हूं, यार वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, देखो यहां पे मैं GBP JPY का जो सेक्शन है, करेंसी पेयर है, वो सिलेक्ट कर लेता हूं। तो भाई अभी भी कह रहा हूँ यार, वीडियो अभी तक देख रहे हो, लाइक बटन को क्लिक नहीं किया ना यार, भाई किसका वेट कर रहे हो। इतनी जल्दी इतनी आसान भाषा में समझाने वाला चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा यार, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और लाइक कर दो यार वीडियो को। आपके एक लाइक से ना बहुत मोटिवेशन मिल जाता है, और इस मोटिवेशन के चलते ना आपके जैसे बहुत भाइयों की हेल्प हो जाती है बहुत अच्छी अच्छी वीडियो से। तो आज जो हम स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं वो है RSI प्लस बॉलिंजर बैंड। तो चलिए जल्दी से ना क्या करते हैं ना, स्ट्रेटजी को अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो सेटिंग आपको करनी है, यहाँ पे जैपनीज कैंडलस्टिक्स को पैटर्न को अनेबल कर लेना है। दूसरी चीज, सबसे मेजर इंपैक्ट डालने वाली सेटिंग ये है, यहाँ पे आपको ग्राफ का जो टाइमिंग है वो 30 मिनट्स का सेलेक्ट करना है। ध्यान देना भाई, ध्यान देना, स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे एक एक सेटिंग ऐसी है ना जो अगर आप स्किप कर दोगे ना तो आपको चीज़ें नहीं समझ आएगी। क्योंकि अगर यहाँ पे से पैसा कमाना चाहते हो ना तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि क्या इंपैक्ट होता है, कैसे हम इंपैक्ट का फायदा उठा सकते हैं। अगर देखो ये वीडियो आप नहीं देखते हो ना तो फिर सिंपली क्या करो, आपको अगर स्किप करनी है वीडियो या आपको लगता है कि भाई ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, तो क्या करना है, जब भी आप करेंसी पेयर पर कोई न्यूज़ आपको मिलती है, कोई मेजर न्यूज़ रिलीज होती है, तो वहाँ पर आप ट्रेड मत लो,
उस पर पर्टिकुलर करेंसी पेयर पे। लेकिन अगर आप वहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यार इन्फॉर्मेशन अपडेटेड यहाँ पे आपको मिलेगी डेफिनेटली। देखो सबसे पहले बॉलिंजर बैंड पे मैं क्लिक करूँगा, और बॉलिंजर बैंड पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे मुझे मिल जाता है टाइम पीरियड 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2। इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, जैसे के तैसे पड़ा रखूँगा। अब जाता हूँ मैं RSI के साथ, और यहाँ पे भी सारी सेटिंग्स को मैं डिफॉल्ट रखने वाला हूँ, यानी कि मैं 14 पे जाने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी सेटिंग्स मैंने यहाँ पे चेंज नहीं की है। अब क्या करना है, देखो यार गाइस यहाँ पे 30 का एक आपको लेवल दिख रहा है, 30 का, और यहाँ पे एक 70 का लेवल दिख रहा है, और यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो अब हमें सिग्नल कैसे मिलेंगे, इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, यानी पुट और कॉल, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, उसके बाद हम ट्रेड भी लेंगे। देखना गाइस हमें सिग्नल मिलने के क्या पैटर्न्स हैं, क्या तरीके हैं। जब भी गाइस ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को, देखिए जब भी, क्योंकि ये ना स्ट्रेटजी बिल्कुल यहाँ पे उल्टी होने वाली है, यहाँ पे सेम नहीं चलने वाला। जब भी आपकी ये ट्रेंड लाइन है, देखो ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, ये आपको नियर बाय 30 दिखेगी ना, यानी इस 30 वाली लाइन के नीचे दिखती है, पास दिखती है, तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। कहाँ पे लेना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और सेकंड कन्फर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, जैसे यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, सेकंड कन्फर्मेशन आपको ऊपर से मिलेगी कि अगर ये जो कैंडल है ना, देखो ये रेड कलर की कैंडल है, अगर ये क्रॉस करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी पुट का सिग्नल के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, पुट का सिग्नल कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही रेड कलर की कैंडल इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है, टच भी कर देती है, तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड जो है वो प्लेस कर देनी है, तो आप विन करोगे। और कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। देखो अब अगर आप कॉल के सिग्नल की बात करोगे, तो कॉल का सिग्नल के लिए दो कन्फर्मेशन आपको कहां से मिलने वाली है। देखो पहली कन्फर्मेशन यहां से मिलेगी, जैसे ही ग्रीन कलर की कैंडल क्रॉस करती है ऊपर वाले इस बार को, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। और दूसरी कन्फर्मेशन हमें यहां से मिलेगी, वो नियर बाय 70 के होनी चाहिए RSI, ठीक है। तो एक चीज बताता हूँ यार गाइस, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो ना, तो RSI और बॉलिंजर बैंड की जो स्ट्रेटजी है ना, मैंने पहले भी बताई हुई है, लेकिन कॉम्बिनेशन कभी मैंने नहीं बताया था, तो आज मैं कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो यार इसमें क्या होता है ना, स्ट्रेटजी में जब आपकी ऊपर वाली लाइन को टच कर जाता है ना, जो चार्ट है यानी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, तो उसके बाद हमें क्या ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेना होता है हमेशा से, मैंने आपको यही बताया है। लेकिन जब आपका, जैसे मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिलते हैं कि सर आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, वो क्यों नहीं करती, क्योंकि आप जिस करेंसी पेयर पे ट्रेड लेते हो ना, वहाँ पे स्ट्रेटजी तब काम करेगी जब मार्केट स्टेबल होगा। अगर उस पर कोई न्यूज़ रिलीज हुई होगी तो वो स्ट्रेटजी बिल्कुल उल्टा काम करेगी। सेम यहीं पर, यहाँ पर भी हम वही चीज़ करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम वही चीज़ करने वाले हैं। सेम देखना, अभी हम JBP JPY पे ट्रेड लेना नहीं ले सकते, क्योंकि अभी देखो हमारे पास कोई कन्फर्मेशन नहीं है, तो हम GBP के कोई और करेंसी पेयर पे चेक करते हैं, कोई हमें न्यूज़ मिल जाए, कोई बड़ी ट्रेड मिल जाए, कोई सिग्नल मिल जाए। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, देखते हैं कोई GBP का कोई और हमें अगर करेंसी पेयर मिलता है, तो यहाँ पे देखते हैं कहीं हमें एक सिग्नल मिल जाता है, तो हम जो है ट्रेड जो है वो प्लेस कर देंगे। तो अब हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं GBP CHF के पास, ओके गॉट इट, यहाँ पे हमारे पास सिग्नल है, तो हम थोड़ा सा करते हैं जूम इसको। देखो ध्यान ये देना है कि भाई यहाँ पे मैंने 30 मिनट सेलेक्ट किया हुआ है, ध्यान ये देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली अब लोग क्या करेंगे, लोग ये सोचेंगे कि इसको टच कर ही सकता है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए चले जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए जाने वाला हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में। हालांकि आप मुझसे कुछ लोग ज़रूर कहेंगे कि सर अभी तो यहाँ पे इस लाइन को क्रॉस किया भी नहीं है, आपने पहले ही ट्रेड क्यों ले ली। जी हाँ बिल्कुल, अभी इस लाइन को क्रॉस नहीं किया है, देखिए ये लाइन है ना, ये हमारा जो ट्रेंड लाइन है ऊपर वाली, इसको क्रॉस नहीं किया है। लेकिन भाई ये वीडियो है ना, मैं इसको लंबी नहीं लेके जाना चाहता, बहुत लंबी चली जाएगी अगर मैं वेट करूंगा ना कि कब ये क्रॉस करेगा, तो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, और मुझे इतनी लंबी वीडियो को लेके नहीं जानी। मैंने जो समझाना था मुझे लगता है आप लोगों तक समझ गया, जैसे ही इस लाइन को यानी यहाँ पे अगर आपको क्रॉस करता है, उसके बाद आपका मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, अगर किसी करेंसी पेयर पे न्यूज़ रिलीज हुई है तो, ठीक है। अभी हमारे पास जो टाइम फ्रेम है, हमने 30 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो भाई इसके पीछे का जो रीज़न है ना वो इतना ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे आपको कैंडलस्टिक जो मिलते हैं, जो कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है ना, उसको आसानी से जज कर सकते हो इस स्ट्रेटजी के साथ। जी हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है, तो भैया लाइव अकाउंट के साथ, वो अभी मैं आपको एक बार और दोहरा देता हूँ, और मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है इस पर्टिकुलर ट्रेड पे, वो की है $50 की। अभी हमारे पास इस अकाउंट में जो पैसा बच गया है, वो बच गया है $5,129.74, ठीक है। देखते हैं कि क्या होता है, 2 मिनट का टाइम फ्रेम हमने सेट किया हुआ है। और एक बात बता देता हूँ, ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये 30 मिनट की कैंडल है, 30 मिनट की कैंडलस्टिक फ्रेम पे ये जो है अभी आप देख पा रहे हो। तो भाई वीडियो
पसंद आई ना यार तो अभी भी लाइक कर दो, क्योंकि देखो ये ट्रेड अभी ऑलमोस्ट हम विन करने की कंडीशन में ही है, क्योंकि 30 मिनट की कैंडल है तो इतना जल्दी इतना नीचे आने के ज़्यादातर चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो यार एक चीज़ अभी कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो प्यारा सा अगर वीडियो पसंद लगी, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों की क्वेरी ज़रूर सॉल्व होगी इस वीडियो से कि आप मार्केटिंग इंपैक्ट का फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, कैसे न्यूज़ चेक कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें। तो भाई देखो अभी तक हमको ये पता था कि जब न्यूज़ रिलीज होगी तो क्या करना होता है, तो आपको उस पर्टिकुलर करेंसी पेयर पे नहीं ट्रेड लेनी होती है, लेकिन आपका भाई कुछ नया हमेशा से आपके लिए लेके आया और लेके आता रहेगा। हैशटैग टेक्निकल अभी यूज़ ज़रूर करना कमेंट्स में, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई मार्केट में ना ट्रेडिंग है ना बाइनरी हो चाहे फॉरेक्स हो, एक दिन आपके लिए बहुत आसान करूंगा और काम चल रहा है, धीरे धीरे काम चल रहा है। देखो ये ट्रेड जो है विन कर गए हैं और $50 में से $40 का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो यार थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है, उम्मीद करूंगा कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिला होगा, अगर सीखे हो ना तो लाइक बटन को ना हिट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच यार गाइस।